झुक गया आसमां। सो हे गाइस, मेरा नाम है अरमान और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो की एडिटिंग जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो यार, इस वीडियो को बनाने के लिए बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहो, आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर में क्रिएट न्यू पर क्लिक करके 9.16 वाले फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपका मीडिया ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको एक बैकग्राउंड वीडियो ऐड करना है अपने काइन मास्टर के अंदर। उसको ऐड करने के लिए आपको वो वीडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, और कहां से डाउनलोड करना है बता दूंगा, वीडियो को देखते रहो लास्ट तक। तो ये रहा हमारा बैकग्राउंड वीडियो जो कि आपको अपने काइन मास्टर में ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको अपना वीडियो ऐड करना पड़ेगा जो कि आपको खुद से रिकॉर्ड करना है, और आपको अपना वीडियो लेयर से ऐड करना है। तो उसके लिए हम लेयर पर क्लिक करेंगे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आकर। लेयर पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना रिकॉर्डेड वीडियो ऐड कर लेना जो कि आपको खुद से रिकॉर्ड करना है। और कैसे रिकॉर्ड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और किन किन बातों को ध्यान रखना है आपको वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम, जिससे आपका वीडियो एकदम गुड लुकिंग और प्रोफेशनल टाइप से एडिट हो सके। तो ये रहा हमारा वीडियो जैसा कि अभी आपने देखा। अब आपको ध्यान ये देना है वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम कि आपका जो बैकग्राउंड रहेगा पीछे का, जहां पर भी आप वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो वहां पे आसमान रहना चाहिए, मतलब पेड़ या फिर कोई घर ये सब नहीं रहना चाहिए, एक सिंपल आसमान ही रहना चाहिए। और अगर नीचे पेड़ वगैरह, जैसे आप देख सकते हो मेरे जूते के बराबर में बहुत पीछे पेड़ वगैरह है, तो चलेगा। और आपका जो पैंट है, मतलब पैंट आपका ब्लैक कलर का रहना चाहिए, और जूते भी ब्लैक कलर के पहन लेना। बाकी ऊपर का कपड़ा मैटर नहीं करता है, शर्ट या फिर जैकेट आप कोई भी कलर का पहन सकते हो वाइट को छोड़कर। अब यहाँ पे आपको क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर आ जाना है। क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेना है। और एक बात, आपको मोबाइल को ज़मीन पर रख कर वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और हिलना नहीं चाहिए आपका वीडियो, एकदम रख देना टिका के, उसके बाद रिकॉर्ड करना। मास्क वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे हम इतना कट करके। अब आपको क्या करना है, उस पार्ट को कट कर देना जो फालतू का पार्ट है, मतलब आपकी बॉडी नहीं कट होनी चाहिए। आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, फिर लास्ट पॉइंट पे जाना है, और वीडियो को क्रॉप कर लेना है। मतलब आपका जो बॉडी पार्ट है वो नहीं क्रॉप होना चाहिए, बाकी का आप स्काई है, पेड़ है, आजू बाजू का सीन है वो आप क्रॉप कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं कट होना चाहिए। बस अपने हिसाब से कट कर लेना, जिस हिसाब से आपका वीडियो रहेगा उस हिसाब से कट कर लेना। और कट करने के बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मतलब मैंने तो अपना कटिंग प्रोसेस पूरा कर लिया है। अब आपको करना पड़ेगा जब आप वीडियो को एडिटिंग करने लगोगे तब। अब आपको एक पोजीशन दे देना, जैसे कि मैं दे रहा हूँ, मतलब आपको क्या पोजीशन रखना है अपने वीडियो में, कितना छोटा रखना है, कितना बड़ा रखना है अपने बॉडी को, उस हिसाब से आप एक पोजीशन बिल्कुल सही से सेट कर लेंगे। और हाँ भाई साहब, आप इसी साइड, जिस साइड मैं वीडियो का पोजीशन सेट कर रहा हूँ उसी साइड आपको भी करना पड़ेगा, दूसरे साइड नहीं, जिस साइड पे मून है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे नहीं करोगे तो आपका बैकग्राउंड हाइड ही नहीं होएगा। ये साइड पे आपको बिल्कुल फिक्स तरीके से अपना पोजीशन सेट करने के बाद आपको सिंपल ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका बैकग्राउंड तो हाइड हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये जो पेड़ वगैरह आ रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में वो नहीं हाइड होंगे, क्योंकि अगर हम उसको हाइड करने जाएंगे तो वीडियो थोड़ी सी अच्छी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी भाई, मैं ट्राई कर चुका हूँ। और यहाँ पे इतना तो हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद कंट्रास्ट को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ब्राइटनेस को हल्का सा मैं लो कर रहा हूँ, सेचुरेशन को भी मैं यहीं पर रख रहा हूँ। आपको अपने वीडियो के हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट सीख लो यार, करके आप बिल्कुल सही से कर लेना जैसा आपका वीडियो रहेगा, क्योंकि हर वीडियो के लिए अलग अलग एडजस्टमेंट रहेगा। तो आप मेरा कॉपी मत करना, आप अपने हिसाब से करना। अब यहाँ पे बैकग्राउंड तो पूरी तरह से रिमूव हो चुका है हमारा, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है, आप देख रहे हो मेरे जूते को, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ सही से हाइड नहीं हुआ है, मतलब आर पार दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास उपाय है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट लेयर निकालेंगे। यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है ना साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है, जो सबसे पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो इसका एक डुप्लीकेट पार्ट निकल जाएगा, हम लास्ट वाले पोजीशन पे जाएंगे, और जाने के बाद क्रॉप कर लेंगे, मतलब हमको उतना ही क्रॉप करना है ये डुप्लीकेट वाला हिस्सा जहाँ तक हमारा जूता है, मतलब जहाँ तक हमारे शूज़ हैं उतना क्रॉप करना है बस, ताकि वो
ट्रांसपेरेंट ना हो, बोलने का मतलब आर पार नहीं दिखाई दे, उसके लिए हमको ब्राइटनेस को और लो कर देना है थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं हाईलाइट को बढ़ा के शेडो को भी थोड़ा सा कम कर दूंगा, ये लो कर दूंगा, तो इससे क्या रहेगा, हाईलाइट को मैं और बढ़ा रहा हूँ और शेडो को मैं लो कर रहा हूँ, इससे क्या रहेगा, हमारे ये जो जूता है ना, मतलब जो मैंने पहना है उसमें डार्कनेस आ जाएगी, मतलब थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ब्लैक टाइप में, और ये आर पार नहीं दिखाई देगा। अब हम क्रोमा की पे चल रहे हैं इसलिए, क्योंकि हमको क्या करना है, क्रोमा की पे जाने के बाद जो हमारा घास ना बहुत ज़्यादा दिखने लगा है, पहले थोड़ा सा कम था, तो इसको हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे क्रोमा की से ग्रीन कलर सिलेक्ट करके। लेकिन आप अपने मेन वीडियो में हाइड कर सकते हो उस हिसाब से आपके बैकग्राउंड का, अगर पेड़ ज़्यादा ही हरा रहेगा तो हाइड कर लेना, मेरा तो नहीं हाइड हो रहा था इसके लिए मैंने नहीं करा। हाइड कर रहा था तो क्या हो रहा था कि प्रॉपर तरीके से हाइड नहीं हो पा रहा था और थोड़ी सी झिलमिलाट आ रही थी, इसके लिए मैंने नहीं हाइड करा। अगर आपका हाइड हो तो कर लेना, दोनों बैक वीडियो में कर लेना हाइड। और यहाँ पे देख सकते हो, मतलब है थोड़ी बहुत दिख रही है पीछे का पेड़, लेकिन उतना नहीं दिख रहा है, तो चल जाएगा यार, इतना तो चलता है। और वीडियो हमारा कंप्लीट एडिटिंग हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो बैकग्राउंड बिल्कुल सही से रिमूव हो चुका है। और हाँ, बैकग्राउंड डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करो, आपको एक पोस्ट मिलेगा, उस पोस्ट पे नीचे स्क्रॉल करते जाना, सबसे नीचे डाउनलोड का बटन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना।